हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो इसका आंसर सिंपल है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज़ व्हाट इज द सेंट्रल इश्यू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेंट्रल इश्यू हैं वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी द आंसर। द सेंट्रल इश्यू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेट टू ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स सी, टेक अनदर क्वेश्चन विच इज गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। लेट्स सी द आंसर। सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टील यूज्ड इन द कार एंड मोबाइल सेट परचेस्ड वाया मोबाइल डीलर। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो हमें बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं होती है एंड फॉर रीसेल पर्पस के लिए इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज डिफाइन सॉरी व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स। पहले लेते हैं व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं, आंसर लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं, गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। जो कंज्यूमर के लिए सेटिस्फाई कर देते हैं वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं, जैसे आइसक्रीम, मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल विच इज व्हाट डू यू डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स अभी मैंने आपको डिफाइन भी करा था, समझाया भी था, आंसर भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, बेसिकली गुड्स विच आर यूज एज अ रॉ मटेरियल और परचेस्ड बाय द फर्म फॉर रीसेल। मैंने कहा था ना रीसेल आर इंटरमीडिएट गुड्स, एग्जाम्पल शर्ट परचेस्ड बाय अ फर्म फॉर रीसेल। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन विच इज व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन बेसिकली रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर और टीयर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंट, डैमेजेस और एक्सपेक्टेड फॉर द लेंस। कोई भी चीज़ में लगातार कंटिन्यू यूज करने की वजह से वैल्यू में गिरावट आना, यही होता है डेप्रिसिएशन। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन विच इज व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली इट रेफर टू द चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड एंड रॉ मटेरियल। दिस इज स्टॉक कीप बायरिंग ओवर टाइम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन स्टॉक एंड इज कैलकुलेटेड एज इन्वेंट्री स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। दिस इज द इन्वेंट्री स्टॉक का फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल एंड व्हाट इज फ्लो वेरिएबल। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। बात कर लेते हैं इसकी, तो स्टॉक वेरिएबल बेसिकली डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जाम्पल नंबर ऑफ मशीन इन अ प्लांट ऑन अ स्पेसिफिक डे, और द नंबर अमाउंट ऑफ इन द बैंक अकाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट से 31st March 2014। एंड बात करेंगे अगर फ्लो वेरिएबल की, तो फ्लो वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल इज डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें जो स्टॉक वेरिएबल होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, एंड फ्लो वेरिएबल होता है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। ये मेन पॉइंट है फ्लो एंड स्टॉक का। फ्लो वेरिएबल इज डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी मेजर एट पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, इनकम और एक्सपेंडिचर
over a time period of 1 month or 1 year. This is the example of flow variable. Let's take another question, which is, what do you mean by real flow? Real flow kya hai? Real flow basically the flow of factor services from household to farm, and flow of goods and services from farm to household is known as real flow. Real flow basically वो flow होता है जो household से farm के लिए service provide होती हैं, and जो farm से household के लिए service provide होती हैं वो real flow होती हैं. Real flow कहलाता है. Flow of factor income. Factor income की बात होती है इसमें. From household to farm, and flow of goods and services की बात हो रही होती है इनमें, ना कि money की. तो ये होता है real flow. I hope you understand this question. Next question ले लेते हैं. What is the difference between microeconomic and macroeconomic? Basic question है. Sorry. So micro and macro में difference की बात करें तो micro एक individual purpose के level पे बात हो रही होती है. It study economic problem at an individual level. It study economic problem at the level of an economy as a whole. Second, determines की बात करें तो micro में the determines the output and price for an individual firm के लिए बात कर रहा होता है यहाँ पे micro में, and micro में determine कर रहा होता है aggregate. Main है aggregate output and general price level in the whole economy. And micro में tool में क्या आता है, demand and supply आता है main tool, and micro में aggregate demand and aggregate supply की बात कर रहा होता है. And जो micro होती है उसमें dependence क्या होता है, it assume all the micro variable to be constant as national level, national income, consumption, saving, etc. Micro में बात करें dependence की, तो it assume all the micro variable to be constant as demand of household, supply, firm and price of individual product, etc. So ये difference है micro and micro variable में. Now अगर और question लें तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट? इनकम एंड प्रोडक्ट का प्रिंसिपल जो है वो क्या है, बात कर लेते हैं. ये भी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है. सो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम product involve two basic principle. Real flow of income imply the flow of factor services from the household sector to the producing sector. Flow of income across different sector always implies the identify between payment and receipt. This is the answer of that question. So aaj ke liye itna hi, dhanyawad. Thank you.